कोतवाली पुलिस एटीएम तोड़कर पैसा लूटने का प्रयास करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इस संबंध में एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुम ने बताया कि कोतवाली पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि 15 जून को कोतवाली थाना क्षेत्र में कैनरा बैंक एटीएम को लूटने का प्रयास किया गया था, जिसका मुकदमा कोतवाली थाने में 16 जून को पंजीकृत है और कैंट थाना क्षेत्र में 4 जुलाई की रात अम्बेडकर चौराहे पर HDFC बैंक को तोड़कर लूटने का प्रयास किए थे, जिसका मुकदमा कैंट थाने में पंजीकृत है। वो सभी अभियुक्त BSNL कार्यालय के पास हैं। उनको कोतवाली पुलिस और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पकड़ लिया है, जिनके पास से लूटने का प्रयास करते समय जो गमछा पहनकर प्रयास कर रहे थे और जिस सबल से एटीएम को तोड़े थे बरामद हुआ, जिसकी पहचान अर्जुन चौहान पुत्र दिनेश चौहान निवासी मानीराम थाना पीपीगंज, सद्दाम पुत्र अनवर अली निवासी रायपुर थाना रायपुर बहराइच, राहुल पुत्र चंद्रभान निवासी जगदीशपुर थाना पिपराइच, पुनर्वासी पुत्र चंद्रभान निवासी चनकापुर थाना चौरी चौरा, शाहरुख पुत्र साहिल निवासी हुमायूंपुर थाना गोरखनाथ के रूप में हुई है। इन सभी अभियुक्तों को खुलासा कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक पंकज कुमार, उप निरीक्षक नंदलाल यादव, कांस्टेबल विकास कुमार, प्रमोद कुमार, उप निरीक्षक अखिलेश कुमार, कांस्टेबल आशीष यादव, कांस्टेबल परवेज मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुम ने कहा, ये रिक्शे से जा रहे थे 4 लोग, जैसे इनको रोका उसका फुटेज है, फोन में है, किसी फोन में हो तो उसको बड़ा विजुअल करवा दीजिए। तो ये है कि सब्बल से एटीएम फूट नहीं पाता नहीं, मगर क्या दिक्कत होती है कि अकेले के भाग गए, बड़ी मोटी होती है, उसको नीचे फंसाई एक्सिस बैंक एटीएम में, पिकअप में फंसाई एटीएम कवार, एटीएम कवार गया, उसको लेकर पिकअप में ला के चल गए, 2 ATM कवार के लिए आराम से ले जाकर काटते थे, ले जाते थे उसको हरियाणा में कटवाते थे, जो गोरखनाथ में घटना हुई। ये कप्तान साहब के निर्देशानुसार रात के समय एटीएम की सुरक्षा, बैंकों की सुरक्षा के लिए रात्रि अधिकारी PRV हॉक के सभी सजग रहते हैं और इसी सजगता के क्रम में एक एटीएम तोड़ने के प्रयास का खुलासा किया गया है। ये रात के समय जब रात्रि अधिकारी कोतवाली प्रेमचंद यादव चेकिंग कर रहे थे तो उनके द्वारा पाया गया कि 4 संदिग्ध लोग हाथ में कुछ लेके घूम रहे हैं। जब उनको रोक के उनसे पूछताछ की गई, कड़ाई से पूछताछ की गई, तब पता चला कि वो कैंट थाना क्षेत्र में किसी एटीएम पे उसे तोड़ने का प्रयास करके आ रहे थे। जब वहाँ चेक कराया गया तो सेंट एंड्रयूज़ के HDFC बैंक के एटीएम तोड़ने का इनके द्वारा प्रयास किया गया था, मगर पुलिस के सायरन से ये वहाँ से भाग खड़े हुए थे। बाद में कोतवाली थाना क्षेत्र में दोबारा ये प्रयास करने के ये संभावना थी इनकी, तो इनको रोका गया। इनमें 5 लोगों को पकड़ा गया है और 5 लोगों से वहाँ ATM में पाया गया गमछा भी बरामद हुआ है, साथ में उनके द्वारा जो शस्त्र यूज़ किया गया था ATM तोड़ने को वो भी बरामद हुआ है। इनके द्वारा पूर्व में कोतवाली थाना क्षेत्र में भी एक ATM तोड़ने का प्रयास किया गया था सब्बल द्वारा ही, और साथ में इनमें से एक जो पकड़े गए हैं उनका काफ़ी लंबा चौड़ा पुराना इतिहास भी निकला है, जिससे ये GRP में ATM तोड़ने के प्रयास में NDPS में और भी 2-3 मुकदमों में पूर्व में जेल भी जा चुका है। ये सब लोग नई उम्र के लड़के हैं और ये अपने ऐशो आराम के लिए और बाकी पैसों की आवश्यकता के लिए ये इनके द्वारा ATM को टारगेट किया जाता था। बहुत ज़्यादा प्रेसिजन वाले वेपन नहीं यूज़ करते थे, ये सब्बल हथौड़ा इस तरह की चीज़ों से ATM तोड़ने का प्रयास किया करते थे और पिछले कुछ दिनों में इनके द्वारा इस प्रकार के 2-3 प्रयास किए गए थे, तो हर बार पुलिस की सजगता से और लगातार हो रही गश्त से इस पर लगाम लगाया गया था। और अच्छी बात यह रही कि इसमें CCTV कैमरे के फुटेज से पूरी तरह से मिलान भी हुआ और CCTV कैमरे में किस तरह से इनके द्वारा ये सारा प्रयास किया गया वो कैद भी हुआ। इनमें से एक व्यक्ति का आपराधिक इतिहास अभी हमारे पास प्राप्त हुआ है जो GRP से ATM तोड़ने के प्रयास में है और NDPS में जेल जा चुके हैं। अन्य लड़कों का जो है वो आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है।